नेमावर पुलिस को मुखबिर से लगातार सूचना मिल रही थी कि नर्मदा तट से रेत का उत्खनन कर अवैध परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने खातेगांव नसुल्लागंज मार्ग पर पीपलिया नाका के पास जब डंपरों को रोका और उनकी चेकिंग की तो डंपर चालकों ने बताया कि वो चिटली रेत खदान से रेत निकाल कर ला रहे हैं और उनके पास एक माह पुरानी रॉयल्टी मिली। नेमावर पुलिस ने डंपर को जब्त कर थाने पर खड़ा कर दोनों चालकों को खिलाफ धारा 379 में मामला दर्ज किया है। नेमावर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। डंपरों को पकड़ा गया बिना रॉयल्टी के? हाँ, ये दो डंपर थे, एक एमपी 1239 6162 जी। ये दोनों पीपल नेरिया गांव है। हाँ। पीपल नानकर जी, वहाँ से पकड़ा है जी। ऐसी सूचना मिली थी कि चिचली गांव से ये भर के आ रहे हैं जी। सूचना पे दबिश दी, इनको पकड़कर थाने लाए, कायमी की है, आगे कार्रवाई जारी। सर, इनके पास रॉयल्टी वगैरह मिली? रॉयल्टी भी नहीं है और ऐसी सूचना कई दिनों से चल रहे हैं, आज पकड़ में आए हैं। इनके पीछे कई दिनों से लगे थे हम, आज पकड़ में आए। इनकी रॉयल्टी चेक किए तो एक एक महीने पुरानी रॉयल्टी है। ठीक है सर, कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है? 379। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।